आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता और काबिलियत के झंडे गाड़ रही हैं। चाहे वो प्लेन उड़ाना हो या फिर अंतरिक्ष में जाना, हर क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। लेकिन इन महिलाओं को इस मुकाम पर पहुंचाने की नींव रखने वाली कौन है? जवाब है सावित्री बाई फुले। भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले एक ऐसा नाम जिसे जातीय नफरत और लैंगिक असमानता का कीचड़ भी मैला ना कर सका। उन्होंने महिला शिक्षा की जो अलख जगाई वो आज क्रांति का रूप ले चुकी है। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 12 साल की ज्योतिबा फुले उनके जीवन साथी बने। बचपन में एक दूसरे का हाथ संभालने वाला फुले दंपत्ति आज एक मिसाल है। शादी के वक्त सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस समय के हिंदू समाज में महिलाओं को पढ़ना लिखना मुमकिन नहीं था। लेकिन सावित्री बाई में पढ़ने की खूब ललक थी। उनकी इसी ललक को देखते हुए उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें अक्षरों का ज्ञान कराया। धीरे धीरे सावित्री बाई पढ़ना लिखना सीख गई और उन्होंने कई किताबों को पढ़ डाला। शिक्षा की ज्योति जलने के बाद सावित्री बाई ने बाकी महिलाओं और लड़कियों के जीवन में भी रोशनी लाने का फैसला लिया। उनके इस फैसले में ज्योतिबा फुले ने उनका भरपूर साथ दिया। आइए बताते हैं कि देश का पहला गर्ल्स स्कूल कब और कहां खुला। देश का पहला गर्ल्स स्कूल महाराष्ट्र के पुणे जिले में 1854 में खोला गया था। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने हर जाति की लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। इस तरह सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला टीचर बनी। देश की दूसरी शिक्षिका का नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख सावित्री बाई की दोस्त थी और उनके स्कूल में छात्राओं को पढ़ाती थी। फुले दंपति ने पुणे और उसके आसपास ऐसे कुल 18 स्कूल खोले। इन स्कूलों में किसी के साथ कोई भी जातीय भेदभाव नहीं होता था और एक अच्छे इंसान की नींव रखी जाती थी। लेकिन फुले दंपति के लिए स्कूल खोलना कोई आसान काम नहीं था। पहले परिवार और फिर समाज के ठेकेदारों ने उनके रास्ते में तमाम मुश्किलें खड़ी की, लेकिन फुले दंपति का हौसला कभी डगमगाया नहीं। सावित्री बाई क्योंकि दलित थी, इसलिए ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। सावित्री बाई जब स्कूल में पढ़ाने जाती तो कुछ दुष्ट ब्राह्मणवादी लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंक दिया करते थे। अमूमन ये रोज का रूटीन बन गया था, इसलिए सावित्री बाई फुले अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी रखकर ले जाती थी। स्कूल पहुंचने पर वो पहले नहाती, साड़ी चेंज करती और फिर छात्राओं को पढ़ाती। अगले दिन फिर वही गोबर और कीचड़ उनका इंतजार कर रहा होता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार एक दुष्ट ब्राह्मणवादी ने रास्ते में सावित्री बाई का हाथ पकड़ लिया था। इस पर सावित्री बाई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस दुष्ट व्यक्ति को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से वो आदमी कभी उनके रास्ते में नहीं आया। फुले दंपति ने ना सिर्फ शिक्षा बल्कि विधवा पुनर्विवाह, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय और असहाय महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स भी खोले। उस समय के दकियानुसी समाज और जातिवाद से जकड़े समाज की नींव हिलाने में फुले दंपति ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने इसे अपना मिशन बनाया और क्रांति की मसाल जलाई। हम तो सावित्री बाई फुले की जयंती और पुण्यतिथि को ही टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक या शिक्षिका दिवस किसी ऐसे व्यक्ति की जयंती या पुण्यतिथि पर मनाना चाहिए जिसने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किया हो। और जब आप शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करें और खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको सावित्री बाई फुले के अलावा कोई नाम नजर नहीं आएगा। लेकिन जातिवादी व्यक्तियों ने ऐसी महान शिक्षिका और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ बेहद नाइंसाफी की। उनके योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हमारा देश एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाता है जिस पर अपने ही छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करने का आरोप है। लेकिन सावित्री बाई जैसे व्यक्तित्व को छुपा पाना नामुमकिन है। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।